Hi guys, welcome back to my YouTube channel Geet Styling Vlog. So I'm back with another video and it's a get ready with me for Valentine's Day. And if you're new to this channel and you're seeing this face for the very first time, then consider subscribing it because मैं यहाँ upload करती हूँ videos fashion, styling, hauls जैसी. और आज की video में मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी कि कैसे बहुत light सा makeup कर सकते हो, because मुझे बहुत ज़्यादा elaborate makeup पसंद नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोई professional makeup artist हूँ. तो मुझे बहुत natural makeup पसंद है. जो कहते हैं ना makeup no makeup look basically, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्किन टोन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है मेकअप के बाद या बहुत डार्क मेकअप हो गया है. और प्लस आपको थोड़ी स्टाइलिंग आइडियाज भी हो जाएंगे कि कैसे आप वैलेंटाइंस डे के लिए रेडी हो सकते हैं. एंड आई हैव गिवन ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय फेसबुक पेज. नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बिफोर डूइंग मेकअप मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर फेस. तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और लिप बाम भी अप्लाई कर लिया है. एंड मैं कॉन्सीलर यूज कर रही हूँ, मुझे फाउंडेशन पसंद नहीं है. तो मैंने ये फिट मी का लिया है मीडियम शेड में जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली है. तो आप अपने स्किन शेड के अकॉर्डिंगली लें. और जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है बिकॉज बेसिकली मैं चाहती हूँ एक इवन टोन हो फेस का. और मैं स्किन कलर लाइट नहीं करना चाहती हूँ, मेरा नेचुरल जो स्किन कलर है मैं उसी में चाहती हूँ थोड़ा मेकअप करना. तो इसलिए मैंने बस ब्लैक स्पॉट्स पे अप्लाई किया और इवनली उसको पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया. तो ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत इवनली आपका जो मेकअप है फेस पे अप्लाई हो जाता है. देन कॉम्पैक्ट पाउडर लिया एंड वही इवनली पूरे फेस पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर दिया. तो कॉम्पैक्ट पाउडर का ये फ़ायदा रहता है कि जब भी मेकअप वगैरह करते हैं बहुत जल्दी स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग नहीं जल्दी से होने देता है ये. देन ब्लश, आई लव टू अप्लाई ब्लश. जो भी चीक बोन्स हैं उन पे मैंने थोड़ा ब्लश अप्लाई किया है, ये कलर बार का है. और थोड़ा सा मैं नोज पे भी अप्लाई कर लेती हूँ हल्का सा उसको हाईलाइट करने के लिए. देन आई एम यूजिंग दिस प्लम गुडनेस काजल. बस आईज में मैंने थोड़ा काजल लगा लिया. बहुत सिंपल मेकअप है. देन आई एम यूजिंग मेलबिलिन मस्कारा. तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ये सारा का सारा रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो आई लैशेज हैं चिपक जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है. एंड देन जेंटली अप्लाई करो मस्कारा अपनी आई लैशेज पे. देन आई एम यूजिंग दिस कलर बार लिपस्टिक. ये बहुत ही प्यारा शेड है, मैंने रिसेंटली लिया है. इसका कोड है 103. तो ये काफ़ी अच्छा शेड लगा मुझे. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मिक्स सम काइंड ऑफ लिप ग्लॉस विद माई लिपस्टिक्स. तो ये जो विक्टोरिया सीक्रेट का लिप ग्लॉस है मुझे बहुत पसंद है. देन मैंने गोल्ड में इयर रिंग्स डाले हैं और एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस डाली है. अब बिकॉज हमारे यहाँ पे विंटर्स हैं तो इस वजह से मैंने लेग्स में जो है प्रॉपर वार्म स्टॉकिंग्स डाली हैं और काफ लेंथ बूट्स डाले हुए हैं ब्लैक कलर के. और ऊपर से मैं ब्लैक कलर का ही कोट डाल रही हूँ. एंड देन आई एम टेकिंग दिस गॉर्जियस पर्स. दिस इज फ्रॉम W ब्रांड. सो गाइज दैट वॉज द ओवरऑल लुक. आई होप आप लोगों को पसंद आया हो जो भी आउटकम है. मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ईजी है ये क्रिएट करना, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत घंटे लगा के मेकअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो इफ़ यू आर लाइक मी देन दिस हार्डली टेक्स 10 मिनट्स टू डू सच काइंड ऑफ मेकअप. और ये अच्छा भी लगता है, बहुत नेचुरल लगता है. सो इफ यू लाइक इट देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी फैशन स्टाइलिंग वीडियोज के साथ आती रहूंगी. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.